हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज फीफा मोबाइल से लेके यहाँ पे EA Sports FC, मतलब यहाँ पे EA Sports FC के अंदर आपको दोनों ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो EA FC 24 है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे EA Sports यहाँ पे जो मोबाइल होने वाला है, तो दोनों ही देखने को मिलेंगे। एंड उसका भी कुछ यहाँ पे बात करेंगे, बहुत कुछ अपडेट्स की बात करेंगे, क्या क्या यहाँ पे कैरी ओवर होने वाला है एंड क्या क्या यहाँ पे अपडेट हम लोग यहाँ पे मिला है। तो 13th of July हो चुका है, आज यहाँ पे 14th of July हो रहा है, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ ऑब्वियसली। तो कल आप लोगों को जो भी है उसके एकदम प्रॉपर सब कुछ देखने को मिला है, रिवील हुआ था और यूट्यूब के ऊपर अभी भी रिवील है, अभी जाके देख सकते हो। बट और इसको छोड़ के फीफा मोबाइल का अपकमिंग जो भी यहाँ पे इवेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे बिफोर पोस्टिंग ऑन ट्विटर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया था गेम में। भाई ये तो गलत सीन हो गया, मतलब उस बार तो ग्लिच आया था कि टाइम के बाद ही आया था, ठीक ठाक था, मतलब टाइम पर ही आया था। इस बार तो टाइम से पहले यहाँ पे इवेंट के जो भी है सेक्शन आ चुके हैं, प्रोग्राम आ चुके हैं। पहले क्या होता था कि प्लेयर लिस्ट हो रहे थे शाम रात को, यहाँ पे आपके जो है वो प्रोग्राम आता था, बट अभी क्या है प्रोग्राम है बट प्लेयर नहीं दिख रहा है। तो जो भी सीन है बात करते हैं उसके बारे में। एंड सबसे पहला यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है यहाँ पे सेंचुरियंस 23 करके, और एक खास करके किस लिए बनाया जा रहा है ये पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे 12th of July को देखने को मिला था यहाँ पे सुन। बट उसके बाद उसके साथ साथ और कुछ यहाँ पे देखने को मिला था, जिसके साथ और भी कुछ प्लेयर्स ऐड हुए। आप लोगों को पता है ब्रोलिन आया है, करवालो आया है, मार्क्वेज आया है, क्विड आया है, और यहाँ पे उसके साथ साथ और जो कोई यहाँ पे पोस्ट है वो देख लेते हैं क्या सीन है। तो देखो यहाँ पे 3 घंटे पहले, मतलब अभी जो टाइम हो रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे 11:24 यहाँ पे AM हो रहा है, अभी तक PM हुआ ही नहीं है। तो 3 घंटे पहले मतलब 9:24 के आसपास यहाँ पे कुछ हुआ था, एंड यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कोई 7:30 करके AM को यहाँ पे किया गया है। तो देख सकते हो फ्रॉम इज टेम्पोरारी, यहाँ पे जो फॉर्म इज टेम्पोरारी क्लास इज परमानेंट, तो ऑब्वियसली ये लाइन तो हम लोग भी जानते हैं। बट उसके बाद सेलिब्रेट फुटबॉलर्स दैट अचीव 100+, यहाँ पे देख सकते हो जो क्लब कैप्स, मतलब जो लोग ने यहाँ पे जो है क्लब के लिए 100+ यहाँ पे जो है मैच खेल चुके हैं, और गोल्स और असिस्ट यहाँ पे कोई एक हो सकता है, एंड वही देख सकते हो सेंचुरियंस के जो यहाँ पे इवेंट आ रहा है इसमें सारे प्लेयर्स। कल मैंने हर एक प्लेयर्स के यहाँ पे स्टैट्स चेक किया था, भाई क्या प्लेयर आया है। और सबसे जो बड़ी जो न्यूज़ आता है वो है फ्रेट का, माँ कसम मैं सही बता रहा हूँ। इस प्लेयर के लिए कितने बंदे यहाँ पे वेट कर रहा था एक बार बताना कमेंट में, कि ब्राजील यानी यहाँ पे एक प्लेयर तो पसंद आ जाता है कि भाई यहाँ पे हम लोग के पास सेप शिफ्टर में मिला था सॉक्रेटिस, बट उसके साथ प्यार किसको कराऊँ। और अभी के लिए यहाँ पे फ्रेट आ चुका है भाई, क्योंकि CDM में आप यहाँ पे ब्रूनो गिमारेस को यहाँ पे रख सकते हो, एंड अभी आप चाहते हो तो दोनों साइड में यहाँ पे आपको CM मिल जाएंगे, और एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है जो है फ्रेड, काफी बढ़िया है। तो ए लीग तो कल ही हम लोगों को पता चल गया, और खास करके यहाँ पे एक प्लेयर है जिसके स्टैट्स अगर मैं दिखा दूँ आप लोगों को, शायद मैं दिखा पाऊँ कि नहीं देखना पड़ेगा, बट भाई इसके जो स्टैट्स है ना वो मैं यहाँ पे थंबनेल में ही डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी फिर कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को जो मोबाइल डिवाइस है। तो जो भी है आई मैं दिखाई, तो मिंग्स का एक्चुअली ट्रेड्स है यहाँ पे पावर हिटर एंड 6'5" का हाइट से। अगर इस प्लेयर को आप लोग नहीं जानते हो, मैं तो यहाँ पे EPL का मैच थोड़ा बहुत देखता हूँ एंड इसका मैं गेम प्ले भी देखा हूँ, बाकी इसका जो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़िया है। और एक बार शायद यहाँ पे मैन यू के साथ भी झमेला हुआ था, या फिर मैन सिटी के साथ भी थोड़ा बहुत झमेला हुआ था इसके साथ हालान का, मेरे को इतना याद आ रहा है। तो वही सीन है गाइस, यहाँ पे सब कुछ मतलब सारे प्लेयर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। खास करके आंसू भट्टी यहाँ पे 112 के कार्ड में कितना बढ़िया स्पीड दिया गया है, बहुत तगड़ा, एंड उसके साथ साथ ड्रिबलिंग भी बहुत सही है। इसके स्टैट्स देख लेना गाइस, सबका यहाँ पे स्टैट्स बहुत खतरनाक होने वाला है। ऐसे कि हम लोगों को जो यहाँ पे 109 के और भी कुछ प्लेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे ना, वो लोग भी बहुत गजब का यहाँ पे स्टैट्स के साथ आने वाला है। और इस प्लेयर को अभी लास्ट में दे रहा है जो हुगो लोरिस, जिस टाइम पे मेरे को चाहिए था, मैंने मतलब खास करके टीम बनाया था पूरा फ्रांस के डिफेंस, और उस टाइम मेरे को मिल ही नहीं रहा था कि किसका यहाँ पे रखूँ मैं जो है यहाँ पे गोलकीपर, तो लोरिस मेरे को चाहिए था और उस टाइम पे नहीं था। अभी देखो यहाँ पे लोरिस आ रहा है, बट कोई ना, अच्छे खासे प्लेयर्स मिलेंगे, कोके मिलेंगे CM में, बहुत बढ़िया प्लेयर है। एंड यहाँ पे लुकास वास्केज RM की कार्ड में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक टाइम पे आई थिंक लुकास वास्केज यहाँ पे BL के बदले आता था, मतलब सब्स्टिट्यूट हो गए, और उसके बाद जो है ना वो RB में चला गया, मतलब जो भी है फॉर्मेशन के हिसाब से उसको स्विच किया गया है। बट अभी देख सकते हो यहाँ पे RM, मतलब उसके बीच वाले पोजीशन यहाँ पे दिया गया है लुकास भास। तो कैसे लगा है सारे कार्ड, बोनुच्ची का भी बहुत बढ़िया कार्ड है, पाउडर के साथ आएंगे, ट्रेड्स वगैरह वही रहेंगे, बस कार्ड थोड़ा सा चेंज है, एंड जो OBR वगैरह है वो भी तो यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो बताना कैसा है सब कुछ, आज तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऐसे ही। तो मैंने बोल दिया मेन जो खासियत है इस इवेंट का वो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है ये सारे प्लेयर्स की, जिन लोगों का यहाँ पे जो है 100+ यहाँ पे क्लब कैप्स है, गोल्स और असिस्ट यहाँ पे है, उन लोगों के ऊपर ही यहाँ पे आया है। तो देख सकते हो यहाँ पे आलमीरन यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लेयर है, जो लोग नहीं जानते EPL का प्लेयर है, आई थिंक न्यूकैसल में खेलता है, मतलब बहुत बढ़िया खेलता है। और मिंग्स तो आई थिंक यहाँ पे बहुत लोग को मिल भी चुका है, बहुत लोग यहाँ पे बाय के लिए बैठाया था, जिन लोगों का यहाँ पे बाय हो भी चुका है। तो जो भी सीन है मैंने देखा है, ऐसे एक ID मेरे को आज दिखा है जो यहाँ पे ऐसे बाय भी कर चुका है। तो जो भी सीन है ये सारे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जो है
ईए स्पोर्ट्स एफसी मोबाइल के ऊपर, इसका कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे आया है, देख सकते हो कल के दिन यहाँ पे देखने को मिला है 13 जुलाई को। देखो पूरा तो अगर पढ़ूंगा तो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो जाएगा, बट मैं नॉर्मली यहाँ पे बोल देता हूँ। ईए स्पोर्ट्स एफसी यहाँ पे देख सकते हो कमिंग सून, टीएम मतलब यहाँ पे ट्रेडमार्क होता है, ये आप लोग कॉपी करके कहाँ पे भी मतलब आप खुद के ब्रांड नहीं बना सकते। ईए स्पोर्ट्स एफसी ऐसे करके नाम दे के आप कोई गेम यहाँ पे लॉन्च नहीं कर सकती, एक्चुअली ट्रेडमार्क है आपके अगेंस्ट में। अगर कोई यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो आइन होता है ना, जो भी सीन है उसके चक्कर में आ जाओगे आप, फिर अगर कुछ यहाँ पे आप सेम नेम से रखते हो मतलब आपके अगेंस्ट में कुछ केस कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल ऑन मोबाइल विल बी अराइविंग विद ऑथेंटिक इमर्सिव एक्शन दैट फीचर्स ऑल ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स टीम्स एंड लीग्स, मतलब यहाँ पे आपके जो पसंदीदा यहाँ पे लीग्स है, टीम्स एंड प्लेयर्स है, सारे यहाँ पे फीचर किया गया है इन गेम के अंदर, एंड सारे ऑथेंटिक मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का है। ऑथेंटिक मतलब एक तरह प्योर बोला जाता है, तो वही सीन है। बिफोर वी गेट देयर देयर प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू गो थ्रू, फास्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे चलो चलते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताए तो क्या सीन है ई स्पोर्ट्स एफ सी मोबाइल अपडेट में। वंस ई स्पोर्ट्स एफ सी मोबाइल हैज लॉन्च, इट विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड ऑन द एप स्टोर और प्ले स्टोर। ये सब लोगों को पता ही है, ये दोनों एक्चुअली प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं मोबाइल डिवाइस में, तो मतलब तो देख सकते हो यहाँ पे ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल होंगे। एज एन अपडेट फॉर ऑल एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, यहाँ पे देख सकते हो फॉर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स यू विल सी योर सेम अकाउंट नेम कैरी ओवर, मतलब आपके जो अकाउंट नेम है वही यहाँ पे कैरी ओवर होंगे यहाँ पे ये स्पोर्ट्स, यहाँ पे ये स्पोर्ट्स एफसी जो मोबाइल में देखने को मिलेंगे। बट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पेसिफिक्स विल बी शेयर्ड क्लोजर टू ईएस, मतलब ये स्पोर्ट्स एफसी यहाँ पे एस मतलब यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग अभी ऐसे ही बोलेंगे, ये आदत बनाना पड़ेगा अभी कि एस एफसी ईएस एफसी मोबाइल लॉन्च के आसपास ही मतलब ये सारे जो है न्यूज और भी अच्छे खासे से मतलब आप लोगों को मिल जाएंगे उस टाइम पे। अभी सब कुछ यहाँ पे बोला नहीं गया है, बट यहाँ पे अनराइवल ऑथेंटिसिटी क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ईएस एफसी मोबाइल प्रोवाइड्स एन अनराइवल ऑथेंटिक फुटबॉल एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल। ऑब्वियसली भाई मेरे को तो इस गेम के कंपैरिजन में और कोई गेम है ही नहीं। ऑब्वियसली हम लोग स्टार्ट किए थे ड्रीम लीग सोकर से, देन यहाँ पे पेस खेले हैं, उस टाइम फीफा ऐसे हेड टू हेड मैचेस उतना अवेलेबल था नहीं और ज़्यादा बंदे उसको खेलते भी नहीं थे। बट इस टाइम पे जैसे इसका क्रेज़ है ना, मैं क्या बताऊँ, फीफा की बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। एंड फीचरिंग द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स क्लब्स लीग्स एंड कॉम्पिटिशन, यहाँ पे देख सकते हो यू विल बी एबल टू प्ले विथ प्लेयर्स फ्रॉम टॉप क्लब्स एंड टॉप लीग्स, आप लोगों को सब कुछ मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो है ई एस एफ सी मोबाइल स्टील इंक्लूड्स ऑथेंटिक लाइसेंस, जो यहाँ पे लाइसेंस मिला है देख सकते हो, यू एफ ए चैंपियंस लीग का मिल गया है, यू एफ ए यूरोपा लीग का मिल गया है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लीग का मिल चुका है, मतलब जो तीनों यहाँ पे टीआर में हम लोग जानता है तो मतलब जानते हैं उसके वो तीनों ये लीग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो क्लब वर्ल्ड कप मतलब क्लब फुटबॉल की अगर बात करें तो। बाकी यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियर लीग, लालीगा स्पोर्ट्स, लालीगा ये स्पोर्ट्स करके ऐसे करके नाम आएंगे शायद, यहाँ पे देख सकते हो नेम में शायद कुछ यहाँ पे मेरे को चेंज लग रहा है। और यहाँ पे बुंदेसलीगा, सीरिया ए टीम, लीग वन उबर ईट्स, यहाँ पे बहुत बहुत एंड मेनी मोर एमएलएस बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हो सऊदी अरबी सब कुछ यहाँ पे है उन लोग के। अगर ऑफिशियल ये एफसी के अगर उसमें जाओगे पेज में जाओगे तो सब कुछ देखने को मिलता है। बाकी रेस्ट ऑफ द सीजन कुछ यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हो स्टिल ऑन द वे, तो जो भी यहाँ पे अपडेट वगैरह मिलेंगे धीरे धीरे। बाकी आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा है कि जुड़े रहना है ट्विटर के साथ, फेसबुक और यहाँ पे इंस्टाग्राम के साथ। बाकी गाइस यहाँ पे इतना ही था, एंड अगर बात करूँ कल के जो यहाँ पे आया है उसका तो मैं वीडियो यहाँ पे नहीं चला सकता, मेरे को सीधा यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया जाएगा अगर मैं ऐसे चलाता हूँ कोई भी वीडियो में, या फिर ऑन स्ट्रीम चलाता हूँ अगर सेम टू सेम चीज़ उन लोगों का। बट फिर भी मैं बोल देता हूँ काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ग्राफिक्स होने वाले, और खास करके आप लोग अगर यहाँ पे चाहते हो उसके गेम प्ले देखना यहाँ पे रिलीज़ के मतलब बिफोर रिलीज़ एक्चुअली जो अर्ली एक्सेस होता है, मैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए यहाँ पे कोशिश करूँगा गेम खरीदने का। गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो, मैं मतलब हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है गेम एक्सपीरियंस दे पाऊँ एंड उसका यहाँ पे वीडियो डाल पाऊँगा, एंड उसके साथ साथ ऑन स्ट्रीम भी खेलूँगा। शायद ऑन स्ट्रीम उतना मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे लैग देखने को मिले, बट अगर जब मैं गेम नॉर्मली रिकॉर्ड करता हूँ ऑफ स्ट्रीम तो उसमें कोई लैग नहीं रहता, मैं आराम से एक अच्छे खासे यहाँ पे गेम प्ले आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ उस टाइम पे कैसे गेम होने वाला है एंड पीसी में जैसा होगा ऑब्वियसली। और एक चीज़ यहाँ पे बात करने भूल गया, जो है इस बार जो क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल के साथ आप पीसी में खेल पाओगे, बट पीसी वाला जो वर्सन है उसमें क्या होता है यहाँ पे 7th gen 8th gen एंड 9th gen अगर कंट्रोल गेम कॉन्सोल्स की बात करें, लाइक यहाँ पे आपका PS3 हो गया जो होता है आपके 7th generation कॉन्सोल्स, फिर यहाँ पे 8th gen हो गया जो PS4 वाले कॉन्सोल्स, एंड PS5 आता है आपके जो हो रहा है आपके 9th gen कॉन्सोल्स, तो ऐसे कुछ है। और एक्सबॉक्स का जो डिवीजन है वो मेरे को उतना नहीं पता है, बट Xbox One Xbox जो भी है बहुत कुछ चीज़ें हैं एक्सबॉक्स का, तो वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है। एंड उसके जो यहाँ पे गेम इंजन इस बार जिसको यूज किया जा रहा है वो है Frostbite की, जो पहले यहाँ पे यूज किया गया था 2017 में, काफ़ी बढ़िया ऑप्टिमाइज था, इस बार उसको यहाँ पे रिटर्न किया जा रहा है। क्या हम लोग इस बार और भी अच्छा और भी स्मूथ यहाँ पे गेम देखने को मिलेंगे, तो वही देखना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे मतलब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कब तक जो है
अपडेट मिलता है, क्या सीन है, सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। बट तब तक के लिए यहाँ पे स्टे ट्यून एंड बस इस वीडियो में इतना ही था गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।